ocean. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सपना दुबे आज आपको आलू पकोड़ा कैसे बनाते हैं ये बताऊंगी। आलू पकोड़ा बहुत ही इजी रेसिपी है और ये बड़ों को और बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। ये मैंने दो बड़े आलू मीडियम साइज़ के ले लिए हैं और इसे मैंने एकदम बाल पतला पतला स्लाइस में काट लिया है। पकौड़े बनाने के लिए बैटर तैयार करेंगे। ये मैंने एक कप बेसन ले लिया है, ये दो बड़े चम्मच चावल का आटा है, एक बड़ा चम्मच मैदा, नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मैंने जीरा पाउडर ले लिया है। ये चाट मसाला पकौड़ा बनने के बाद उसके ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए, तेल पकौड़ा फ्राई करने के लिए। उसमें डालेंगे एक कप बेसन, दो बड़े चम्मच चावल का आटा, एक बड़ा चम्मच मैदा, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर एक छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर एक बड़ा चम्मच, आधा चम्मच गरम मसाला और हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर बनाएंगे। पानी एक साथ नहीं डालिए, बैटर में लम्स आ जाएंगे, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैटर तैयार है। इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है। ये देखिए, एक लाइन में गिर रहा है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम आलू का पकौड़ा बनाएंगे। इसे हम अच्छे से बेसन में डिप करेंगे आलू को और तेल में डाल देंगे। देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है। बहुत ही अच्छी और सिंपल रेसिपी है। आप भी ये मेरी रेसिपी को ट्राई करिएगा और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हमारा आलू का पकौड़ा रेडी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए कितना अच्छा ब्राउन कलर हो गया है और ये आलू भी अंदर से अच्छा सा सिक गया है। अब हम
पलट लेते हैं ताकि दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन ब्राउन हो जाए और आलू भी अंदर से अच्छे से पक जाए। देखिए कितना अच्छा फुला हुआ पकौड़ा है। इसे एकदम स्लो फ्लेम में बनाइए ताकि हमारा पकौड़ा अच्छे से क्रिस्प हो जाए और अच्छे से पक जाए। सारे पकौड़ों को मैंने पलट दिया है। हमारा पकौड़ा रेडी है। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में।